नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने यहां के दो दो भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों की प्रतिक्रिया ली, हमने चिंतामणि माली साहब की प्रतिक्रिया ली। कुछ लोगों का यह कहना है कि चोरी की वारदात जो होती है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और उस पर लगाम कसने के लिए मुंबई पुलिस समय समय पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाती है, हर इलाके में नाकेबंदी लगाती है, लोगों की गाड़ियां चेक की जाती है और अभी तो हाल ही में जो सेफ्टी वीक जो था वो एक मुहिम छेड़ी गई थी मुंबई पुलिस की तरफ से, जो तमाम अपरिचित गाड़ियों की उन्होंने तलाशी ली, बड़े पैमाने पर लोगों पर अर्थदंड लगाया गया। लेकिन सवाल वही कि इस तरह की जो कॉम्बिंग ऑपरेशन चलती है उसके साथ साथ पैरेलल में यदि आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कोई मुहिम चलाई जाए तो शायद आने वाला समय और भी अच्छा हो सकता है। हमारे यहाँ पर और भी कई महिलाएं हैं। मैडम आपका नाम? तृप्ति मेहता। आप कहाँ रहते हैं? कस्तूरबा। ये बताइए जिस तरीके से आज जो चोर पकड़ा गया है कितनी खुशी है आप लोगों को? बहुत खुशी हुई पकड़े। घर में आप अकेले रहते हो तो आपको डर लगता है? हाँ डर लगता है ना। अच्छा, मैंने उनको भी फोन किया कि यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी बढ़ा हो जरा। महिलाएं जब सड़कों पर चलती हैं तो वो क्या फील करती हैं? क्योंकि गले में सोना पहनना तो कोई रोक नहीं सकता है उनके, वो उनके उनका सौंदर्य भी कहा जाता है। ये बताइए कि डर नहीं लगता सड़कों पर? लगता है ना, बहुत डर लगता है। मैडम आपका नाम? मंजुला बेन। आपने तो चलो गले में कुछ नहीं पहना है लेकिन ये बताइए आप भी एक महिला हैं, डर नहीं लगता आपको? डर लगता है ना, इसलिए तो पहनते नहीं है। आपका नाम? नहीं ना। आप कहाँ रहते हैं? मैडम नगर। आप ये बताइए जिस तरीके से आम महिलाओं के गले से सोने की चैन या फिर मंगलसूत्र छीनी जाती है, पुलिस को लोग कोसते हैं कि पुलिस सही तरीके से अपना काम नहीं करती, लेकिन पुलिस अपने कामों में लीन रहती है, कई मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है, जैसे कि कॉर्पोरेटर साहब ने बताया, दोषी साहब ने, कि पुलिस के ऊपर सारी चीजें थोपना भी ठीक नहीं है, हमारा भी फर्ज बनता है। महिला आप क्या सोचती हैं, कैसे पकड़ना चाहिए इन लोगों को? अभी तो बहुत सारी मोबाइल में सुविधा है, फोन नंबर रख सकते हैं आप लोग, और बाद में अपनी सेफ्टी अपन रखना ही पड़ते है खुद के लिए। जरूरी है, पति घर में नहीं रहते हैं, बेटे घर में नहीं रहते हैं, तो ऐसे में जब महिला घर में रहती है तो क्या सोचती है? अनसेफ्टी। ये बताइए आप एक नगर सेविका हैं, हमने तीन तीन महिलाओं की हमने प्रतिक्रिया ली, कॉर्पोरेटर बाद में अगर माना जाए, बतौर एक महिला और एक गृहिणी यदि माना जाए, किस तरह की फीलिंग होती है महिलाओं के जहन में सड़कों पर से जब वो चलते हैं? पहले तो मैं जरूर ये कहना चाहूंगी कि इन दिनों सालों से ऐसा हादसा होता है, मतलब चेन स्नैचिंग गिनो या पुलिस इतनी सफिशिएंट नहीं है कि हर एक एरिया में इतनी पुलिस लगाए, तो पुलिस यहाँ पे हमारी बोरीवली पुलिस का मैं जरूर सम्मान करूंगी क्योंकि उन्होंने जब से यहाँ पे एसीपी साहब आए हैं, सामन साहब, तब से पुजारी साहब और हमारे देशमाने साहब सभी लोग ने यहाँ पूरा इलाका में एक वैन रख के उसको अनाउंसमेंट किया जाता है कि आपकी चेन पर्स और बच्चे का ध्यान रखा जाए, ऐसे हर एक इलाके में ये घूम रहा है। मेरा कहना ये जरूर है कि महिलाओं को गहने का शौक होता है और पहनना चाहिए, परंतु इस तरह से नहीं पहनना चाहिए कि हमें भी नुकसानी होए और हमें अगर हमारी चीज चली जाती है तो हम पुलिस के ऊपर उसका पूरा क्लेम हम पुलिस के ऊपर करते, ये नहीं होना चाहिए। मेरी भी हर एक जनता से, आज मैं अपने लेमन न्यूज के द्वारा मैं हर एक जनता को ये जरूर सतर्क करना चाहूंगी, एक नारी के तौर पर जो आपने कहा कि पद पर नहीं हो, एक महिला तो जरूर हो, तो मैं हर एक मेरी महिला बहनों को जरूर कहना चाहूंगी कि जब तक हमारे से हो सके उतना मतलब जो हमारे फंक्शंस के हिसाब से पहनते हैं इट्स ओके, बिकॉज आपके घर वाले आपके साथ रहते, परंतु हम जब अकेले जाते हैं शॉपिंग के लिए या मार्केटिंग करते हैं या रास्ते में किधर घूमने के लिए जाते हैं तो हमें दागिना पहनना नहीं चाहिए, ये मेरा, मैं बोरीवली पुलिस के साथ पूर्ण तरीके से सहमत हूँ। परंतु महिला लोग ने अगर जैसे हमारी बहन नैना बहन ने कहा तो आपके पास भी हर एक महिला के मोबाइल में होना चाहिए 100 नंबर डायल करना, समझना चाहिए कि 100 नंबर डायल से पुलिस आती है, 103 नंबर डायल किया तो महिला सुरक्षा के लिए पुलिस है, ये हर एक महिला ने जानकारी लेनी चाहिए। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी लेमन न्यूज के द्वारा हर एक को कि हम हमारी सेफ्टी, हम हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है, पहले वो हमें करना चाहिए। बिल्कुल, हमारी सेफ्टी हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है और उसे करना चाहिए, प्रायोरिटी पे करना चाहिए, इनिशिएटिव महिलाओं को लेना होगा।
ताकि वो जो गहने पहनते हैं, हमारे साथ चिंतामणि माली साहब हैं जिनके गले में ये सोने से सराबोर दिखाई दे रहे हैं, यदि इन्हें गोल्डमैन कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। माली साहब, डर नहीं लगता आपको? बिल्कुल नहीं डर लगता है, हमारे बॉम्बे पुलिस बहुत मजबूत है। बिल्कुल बिल्कुल, स्कॉटलैंड यार्ड के बाद विश्व पटल पर दूसरे नंबर पर गिनी जाती है मुंबई पुलिस। तमाम इलाकों में पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाती है, और जैसे कि नगर सेविका मैडम ने यह कहा कि पुलिस यहां पर वायरलेस लेकर आती है, अनाउंस करती है, महिलाएं अपने गले में जो आभूषण, कीमती आभूषण पहनते हैं उससे थोड़ा सा वो परहेज करें, क्योंकि हौसले जो चोरों के हैं वो लगातार बुलंद हो रहे हैं। और भी कई लोग हैं हमारे साथ। मैडम, आपका नाम? मृणाली प्रभु। आप कहाँ रहते हो? यही शमसाफल्ले में। आप यहीं पे रहते हैं, ये बताइए किस तरीके से आप फील करते हैं एक महिला होने के नाते? आज जो सुना मैंने तो बहुत डर गई थी, लेकिन बाद में ये भी सुना कि अपने मुंबई पुलिस ने उनको पकड़ा है और वो बच्चे लोग ने भी उनको सपोर्ट किया, तो बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, हम जब यहाँ पहुंचे तो हमारे यहाँ आने के पहले हमारे मोबाइल पर एक कॉल आया था, वो भी मुंबई पुलिस के कांस्टेबल का आया था, उसका नाम तो हम नहीं लेंगे, लेकिन उसने हमें बताया कि कितनी मुसीबतों का उसने सामना किया। देर रात 3 बजे से लगातार ये कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा था, चड्ढी बनियान गिरोह के वो तमाम कुख्यात सदस्य जो हैं वो चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए यहां पर रिवॉल्वर लेकर पहुंचे थे, चॉपर था उनके पास, चाकू थे उनके पास, और ऐसे में पुलिस जो है उसके पास सिर्फ एक लाठी होती है, और ये एक चुनौती थी मुंबई पुलिस के सामने, लेकिन फिर भी आम जनता के सहयोग से वो दबोच लिए गए हैं, और फिलहाल यहाँ के लोगों को एक सुकून महसूस हो रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक हैं, यहाँ के सांसद गोपाल शेट्टी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी में पूरा वातावरण लग रहा है, मुख्यमंत्री साहब से आप चिंतामणि माली साहब ने जो सवाल किया कि चोरों को पकड़ते समय यदि कोई चोट लग जाती है तो पुलिस उस पर ज्यादा गौर करती है, आम जनता पर केस बना लेती है, तो इससे संबंधित क्या कोई कानून में संशोधन नहीं किया जाना चाहिए? मैं तो पहले ही बोला हूँ कि पुलिस को पूरा सत्ता देनी चाहिए कि पब्लिक भी मारे तो क्या होगा, चोर को नहीं मारे किसको मारे, पहले मैं बोला हूँ। तो ये संशोधन करके माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं लिखूंगा और गोपाल सिंह साहब को भी बोलूंगा कि आप लिखो कि संशोधन करके पब्लिक के लिए और पब्लिक के फेवर में काम होगा, इस तरह से कायदा का जो पालन करावे और नया कायदा कानून करके पुलिस को नए हथियार, नई शक्ति दे के पुलिस को बलवान कर देवे, ऐसा ही मैं प्राइम मिनिस्टर सीएम से बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, और मुंबई पुलिस जो दिन रात कड़े संघर्ष और अथक प्रयास करके मुंबई वासियों को एक संरक्षण प्रदान करने का काम करती है, लगातार आईबी से भी गृह मंत्रालय को इनपुट्स मिलते हैं कि मुंबई सेफ नहीं है, आतंकवादियों के निशाने पर है, और हमेशा यह आर्थिक राजधानी मुंबई केंद्र रही है आतंकवादियों की, और ऐसे में आतंकवादियों से निपटना मुंबई पुलिस के लिए नाको चने चबाने के समकक्ष माना जाता है, और ऐसे में समुद्री सुरक्षा हो या फिर इंटरनल सिक्योरिटी हो उस पर ध्यान देना वक्त की जरूरत है। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? जगदीश भाई। जगदीश भाई, कितने सालों से रहते हैं आप यहाँ पर? मैं रहता हूँ गांधीवली, लेकिन पूजा कराने को आया हूँ। चड्ढी बनियान गिरोह का नाम तो सुना होगा आपने? जी हाँ, सुना है। जिस तरीके से आम चोरियां मुंबई में हुआ करती थी और अब फायर आर्म्स लेकर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जाता है, इससे तो बहुत गलत मैसेज समाज में जा रहा है, समाज को कैसे सुरक्षा हो सकती है? आपके पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहेंगे। समाज के लिए अपनी जो गवर्नमेंट है वो भी काम कर रही है, अपने यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता है वो भी काम कर रहे हैं, और जो इधर के नगर सेवक है उनका तो पूरा ध्यान रहता है, एवन साथ में गोपाल शेट्टी भी उनके साथ में काम करते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हमारे रमेश भाई हमेशा हाजिर रहते हैं। प्रवीण शाह, आपसे जानना चाहेंगे, आप एनसीपी के तरफ है, विपक्ष की भूमिका में आप लोग हैं, हर इलाके में सभी पार्टियाँ हैं, चाहे MNS हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, NCP हो, RPI हो, तमाम राजनीतिक दल के नेता हैं, अब क्या लोगों को आपसी रंजिश भुलाकर इस तरह की चोरी की वारदातों पर लगाम कसने के लिए क्या एकजुट नहीं होना चाहिए? मुझे पहले बोलना चाहिए कि लोग बोलते हैं कि गृह मंत्री को लिखना पड़ेगा या होम मिनिस्टर को CM को लिखना पड़ेगा या अपना सांसद को वो लिखना पड़ेगा, वो अपने तरह से काम करते हैं, उनका ये काम नहीं है चोरी को पकड़ने का। ये ठीक है, ऊपर का जो मैटर नीचे होता है ऊपर तक गवर्नमेंट को तक लेने का काम उनका है। पहली चीज ऐसे है कि अभी कोई बोला कि कोई
अपना ऑर्नामेंट पहनना नहीं चाहिए, तो ऑर्नामेंट पहनना नहीं चाहिए इसका मतलब आप लोग खरीदते और ऑर्नामेंट घर में ही रखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। औरत लोग जो ऑर्नामेंट्स जो खरीदते हैं वो अपने शौक के लिए पहनने के लिए, जैसे चिंतामन माली पहनते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा जो अवेयरनेस चाहिए। और ये अवेयरनेस हर आदमी अपना पार्टी के बड़ापन बात करने से सभी पार्टी साथ में आना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि यहाँ के जो लोग हैं इनकी पहली प्रोटेक्शन करना चाहिए, पार्टी बाद में रहेगा। हम अभी किधर चोरी होने के बाद मैं हमारा सांसद से बहुत अच्छा रिलेशन है, सबको मालूम मेरे रिलेशन अच्छे है, पर मैं उनको पहले फोन नहीं कर सकते, वो कहाँ भी रहेगा, दिल्ली में रहेगा या किधर भी रहेगा, पहले हमारे घर के लोग आएंगे, हमारे लोग आएंगे, और हमारे लोग अगर जागरूक रहेगा तो बाहर एक आवाज उठती है कि यहाँ के लोग जागरूक है तो चोर भी सोच के इधर आएगा। यानी बाहरी सहयोग की अपेक्षा बाद में पहले घर का सहयोग होना वक्त की जरूरत है। एक बार फिर कैमरा पर्सन आनंद वर्मा से गुजारिश करेंगे, हमारे कैमरे के सामने खड़े इन तमाम शिंपोली वासियों की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करें। ये वो जनता है जो दिन रात कड़े संघर्ष करती है, अथक प्रयास करती है और इस आर्थिक राजधानी को एक नए आयाम देने के लिए तत्पर रहा करती है। क्या आम क्या खास, और तमाम लोग यहाँ पर जो मंदिर है श्री शीतला शंकर मंदिर, इस मंदिर के प्रांगण में हम खड़े हैं और यहाँ तमाम वो रहवासी हैं जिन्हें आज कहीं ना कहीं से एक राहत मिली है, क्योंकि आए दिन हो रही चोरी की वारदातें इनके लिए आंखों की किरकिरी बन चुकी थी, मुंबई पुलिस परेशान थी और आम जनता ने आखिर वो कर दिखाया, लेकिन इसमें पुलिस का भी सहयोग था। हमें उन पुलिस कर्मियों का भी सम्मान करना चाहिए जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर उस तथाकथित चोर को अपने शिकंजे में लिया जो किसी की मौत का सबब बन सकता था। फिलहाल हमारे इस आज के खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही, कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए मुझे कैमरा पर्सन आनंद वर्मा के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।